नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी, N99 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए डालते हैं आज की खबर पर नजर। नाजरीन, खबर के अख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। आइए डालते हैं इस खबर पर नजर। मासूम तालिबा इल्मों को बैरूनी मुल्क में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले दो फर्जी ब्रोकर हुए गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में दो फर्जी ब्रोकर्स को किया गिरफ्तार, जिनमें मोहम्मद हसीब अहमद और मोहम्मद अहमद सुलेमान नामी ये दो फर्जी ब्रोकर्स शामिल हैं, जो मासूम तालिबा इल्मों को जाली वीजा बताकर बैरूनी मुल्क भेजने का झांसा देकर उनसे भारी रकमात लूट रहे थे, जिन्हें आज सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 15 जाली वीजा और पासपोर्ट को जब्त करते हुए मस्जिद कार्रवाई के लिए नामपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। आइए नाजरीन डालते हैं इस खबर पर नजर, जिसे पेश किया है हमारे नुमाइंदे जहांगीर अली ने।